गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप ही के क्लास में चलने वाला जो क्रिएटिव इंग्लिश रीडर है उससे मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और वो चैप्टर नंबर 5 है और वो एक पोयम है। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो पोयम है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है, ठीक है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपने देश के एक महान कवि भी थे और साथ ही साथ वे उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय धुन को यानी कि नेशनल एंथम को भी कंपोज किया था। तो आइए हम लोग उनके द्वारा लिखे गए इस पोयम को पढ़ते हैं और वो पोयम है आपको आई फ्लॉट माई पेपर बोर्ड्स, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि बचपन में जब आप छोटे होंगे, अभी भी आप छोटे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि अभी आप बड़े हो गए हैं, तो बचपन में अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में वे कागज का नाव बनाते हैं और कागज का नाव बनाकर और फिर उसको जहां तहां जैसे पानी लगा रहता है, बारिश में जब पानी लग जाता है ना, आंगन में लग जाता है, रोड पे लग जाता है, तो वहां पे वे लोग क्या करते हैं बच्चे, वहां पे वो कागज के नाव को छोड़ते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि उनका उनके द्वारा जो बनाया गया ये नाव है, ये बोट है, ये जरूर ये बहते बहते आगे जाएगा और बहुत दूर जाएगा और उनके संदेश को पहुंचाएगा। तो ऐसा बच्चों को लगता है। तो ठीक यही चीज है इस पोयम में, हम लोग इस पोयम में इसी चीज को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पोयम को। डे बाय डे आई फ्लॉट माई पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, ठीक है ना। तो एक बच्चा, जैसा कि आप यहां मैं दाहिने साइड में एक पेज को भी एडिट किया हूं इसी चैप्टर को, तो आप देख सकते हैं कि एक बच्चा नीचे क्या कर रहा है, नाव, कागज का नाव बनाकर और वो नदी में छोड़ रहा है, ठीक है ना, उसको नदी में डाल रहा है। तो ठीक यही काम हम लोग भी कर किए होंगे बचपन में, मैं भी किया हूं और आप भी किए होंगे, है ना। तो ये जस्ट एक बच्चा एक नाव को छोड़ रहा है और क्या कह रहा है कि डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, है ना। तो डे बाय डे यानी कि दिन, हर दिन, है ना, प्रतिदिन, दिनों दिन मैं क्या करता हूं कि पेपर बोट्स को बनाता हूं, कागज के नाव को बनाता हूं और एक एक करके उस नदी में, उस सरिता में छोड़ता हूं उसको, ठीक है ना, बहती हुई नदी में, बहते हुए जो जल है उसमें मैं छोड़ता हूं। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और फिर वो बच्चा बोलता है कि एक बड़े बड़े लेटर्स में, है ना, बड़े बड़े अक्षर में, और वो भी मैं क्या करता हूँ, वो बड़े अक्षर को काले अक्षर से, ब्लैक इंक का यूज करता हूँ। तो ब्लैक इंक से मैं अपने नाम को बड़े बड़े लेटर्स में लिखता हूँ और उस पे कागज का जो नाव मैं बनाया हूँ, और साथ ही साथ उस पे अपने गांव का भी नाम लिखता हूँ, ठीक है ना, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव का भी नाम लिखता हूँ जहां मैं रहता हूँ, ठीक है ना। I hope that someone in some strange land will find them and know who am I. तो मुझे लगता है, ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई, मतलब कोई अनजाने जमीन पे जब ये नाव बहते 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 किसी एक अनजाने प्लेस पे जाएगी जहां मैं नहीं गया हूं, और उस अनजाने प्लेस पे जाएगी, जगह पे जाएगी बहते बहते, तो जब वहां के लोग, उस स्ट्रेंज लैंड के लोग जब इस नाव को देखेंगे तो वो देखेंगे तो ये मतलब मुझे जान सकेंगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने उस पे नाम भी लिखा है अपने और अपने गांव का भी नाम लिखा है, तो लोग मुझे जान सकेंगे कि मेरा नाम क्या है और मैं किस गांव से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। इसके बाद है आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप। तो मैं क्या करता हूं, मैं मतलब ना अपने गार्डन से, मेरे पास गार्डन है और गार्डन से मैंने क्या किया है कि शिवली के फूलों को, शिवली एक प्रकार का फूल है ना, शायद अरुणिमा फूल को कहते हैं, तो शिवली के फूल को मैं क्या करता हूं कि बोट पे लोड करता हूं, ठीक है ना, उस पे लादता हूं, उस पे कैरी करने के लिए, तो उस पे मैं लोड करता हूं उन फूलों को जो अपने गार्डन से मैं तोड़ कर लाया हूं। एंड होप
that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the night. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में राइट लिखा हुआ है, यहाँ राइट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे नाइट होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इस पोयम को जानता हूं, पहले भी पढ़ा हूं, वहां पे नाइट दिया हुआ था दूसरे बुक में. तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि बच्चे को उम्मीद है, यानी कि बच्चा ये उम्मीद करता है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ब्लू, ये जो फूल है, जो एकदम प्रातः काल में, एकदम सुबह के काल में मैंने इस फूल को जो तोड़ा है ना, तो ये फूल एकदम सुरक्षित तरीके से कैरी किए जाएंगे, मतलब कैरीड होगा, मतलब उस पर जो मैंने लोड किया है, सजाया है उस नाव को, तो वो धीरे 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 मतलब एकदम सुरक्षित तरीके से वो आगे बढ़ेगा और रात तक, मतलब वो क्या होगा, उस जमीन तक पहुंच जाएगा जहां मैं भेजना चाहता हूं. ऐसे तो वो जहां तक हो सकता है बहुत आगे तक जाए, लेकिन उसकी मंजिल कहां तक है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो एक स्ट्रेंज लैंड पे पहुंचेगा जहां के लोग मुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना. तो वहां पे वो पहुंचेगा और वहां के लोग जब इस नाव को देखेंगे और उस पे काले काले अक्षर में जो मैंने अपने नाम को लिखा है, बोल्ड लेटर में लिखा है, तो उसके पढ़ेंगे और पढ़कर जान सकेंगे कि मैं कौन हूं. तो ये रहा आपका ये पोयम जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा था इस पोयम को, है ना. और आपका ये पोयम बस अब ये खत्म हो गया और इसके बाद कुछ आपको इसमें न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स में आप लोग इसको याद कर लेंगे. वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि न्यू वर्ड्स में इसका क्या मतलब होगा. जैसे FLOAT फ्लॉट, फ्लॉट मतलब होता है तैरना, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे जो पानी में तैरता है उसको हम लोग फ्लॉट बोलते हैं, मतलब पानी में जब हम किसी चीज को डालते हैं तो वो फ्लॉट कराता है. फिर STREAM स्टीम, स्टीम मतलब होता है छोटी नदी, जिसको हम लोग सरिता भी कहते हैं. इसके बाद लिखा हुआ है एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज यानी कि एस्ट्रेंज मतलब होता है जो, मतलब ना अनजाना जगह होता है, अनजाने लोग, मतलब एस्ट्रेंज पर्सन को भी हम लोग कहते हैं कि अजनबी, जिसको हम लोग अजनबी बोलते हैं. और एस्ट्रेंज लैंड मतलब होता है कि अनजाना जगह, जहां पे हम नहीं गए हैं कभी, उसको देखे नहीं है. इसके बाद शिवली, शिवली लिखा हुआ है SHIVILI, शिवली एक प्रकार का फूल है, है ना, एक प्रकार का फूल को कह सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये शायद एक अरुणिमा का फूल को कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक प्रकार का ये फूल है. इसके बाद है DAWN, डॉन, डॉन मतलब होता है डे ब्रेक, है ना, डे ब्रेक यानी कि जो सुबह का जो समय होता है, प्रातः काल का जो समय होता है, तो उसको हम लोग डॉन बोलते हैं. तो चलिए आइए, अब आपका ये पोयम खत्म हो गया है. इसके बाद कुछ क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन है तो आपको इसमें आंसर दिस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं कि इसमें क्या करना होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द चाइल्ड फ्लॉट द बोट्स, ठीक है ना, व्हेन डज द चाइल्ड फ्लॉट द बोट्स, मतलब पूछ रहा है कि बच्चा कब नाव को मतलब फ्लॉट करने के लिए छोड़ता है, मतलब किस समय. तो आप जानते हैं कि वो रेनी सीजन में ही, जब पानी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, बारिश के मौसम में पानी बढ़ जाता है, तो इस चीज को आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा. इसके बाद वेयर डज द चाइल्ड फ्लॉट द बोट्स, बच्चा जो है वो अपने नाव को कहाँ तैरने के लिए छोड़ता है. तो आप जानते हो इन द स्ट्रीम, है ना, सरिता में छोटी छोटी नदियों में वो छोड़ता है. फिर इसके बाद व्हाट डज द चाइल्ड लोड ऑन द बोट्स, मतलब अपने बोट्स पे बच्चा क्या लोड करता है, क्या उस पे मतलब रखता है. तो शिवली का फूल जो है ना, तो वो चीज आप लिख दोगे, द चाइल्ड लोड्स शिवली ऑन द बोट्स, शिवली फ्लावर ऑन द बोट्स. इसके बाद है व्हाट डज द चाइल्ड होप, मतलब बच्चा क्या उम्मीद करता है, ठीक है ना. तो आपको ये भी बताया जा चुका है कि बच्चा ये उम्मीद करता है कि वो एक, उसका जो नाव है वो एक स्ट्रेंज जगह पे जाए और उसको लोग जान सके कि वो कौन है, ठीक है ना. इसका फ्रॉम वेयर डज द चाइल्ड कलेक्ट फ्लावर्स, मतलब जो बच्चा है वो कहाँ से मतलब फूल को कलेक्ट करता है, मतलब कहाँ से जमा करता है फूल को, तो वो अपने गार्डन से तोड़ता है, ठीक है ना. तो इस क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपका एक्सरसाइज में, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, नहीं बना सकते हैं तो फिर मतलब मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको सजेस्ट करूंगा कि किस तरह से इसका आंसर दिया जाएगा. इसके बाद का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर,
सेवन नंबर, यस सात क्वेश्चंस हैं, सातों क्वेश्चंस को आप डील करेंगे, अपने बुक में ही डील करेंगे, और जो नहीं समझ में आए आप जरूर इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो में भी आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो ठीक है, तो आज का आपका क्लास बस इतना ही तक, और मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।